A very good morning in Jai Hind students. Welcome to the online class of BST. Continuing with chapter number 4, that is planning. We are done with the concept. We are done with the features of planning. Today we will discuss the importance of planning. Why planning is important? This we are going to discuss today. Why planning is important? See, planning provides the foundation for efficient management of the business enterprise. Planning एक foundation का काम करता है. हम जो भी plan कर रहे हैं वो depend करता है किस तरह से management को efficient बनाया जाए business enterprise के. इसकी क्या advantages हैं, क्या importance है, this we can study with the very first point, that is planning provide direction for action और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. देखो बेटा, डायरेक्शन फॉर एक्शन, व्हाट डज इट मीन हियर? मींस आपको पता है कि आपको इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास आइडिया है, मुझे पता है हाउ टू डू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पेन. अब इस डायरेक्शन, इस एक्शन को एक डायरेक्शन देने के लिए आई नीड टू प्लान. ऐसे थोड़ा ना है कि मैं बाजार से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आ जाऊंगी और इसकी असेंबलिंग शुरू कर दूंगी. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा. फिर मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकती हूँ, अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती हूँ. फॉर दैट आई नीड टू प्लान, राइट? किसी भी एक्शन को डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले वी नीड टू प्लान. सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल दी एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लैरिफाइंग दी ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक दिन में 500, सॉरी टारगेट ये है कि हमें एक दिन में 500 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं. विद दी ऑब्जेक्टिव कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, हमें गुडविल सेटअप करनी है, इमेज सेटअप करनी है मार्केट में, प्लस वन डे 500 पेन का टारगेट लेके चलना है. इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली लेड डाउन, अगर ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर है, सारे बिजनेस प्लान्स बिल्कुल स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स काम करेंगे. सो वी कैन से दैट प्लानिंग प्रोवाइड क्लियर कट डायरेक्शन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन द एंटरप्राइज. हम प्लान करके सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, राइट? हम हर डिपार्टमेंट में जो भी हमारा प्लान है हम वो डिस्कस करेंगे और उन्हें बताएंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, what is our objective, what is our goal. तो सब उस goal और objective और target के लिए मिलकर काम करेंगे. Then comes planning reduces the risk of uncertainty. See, अभी COVID-19 के चलते क्या होगा आगे, it is uncertain. हमें नहीं पता सब कुछ open हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या open होगा, everything is uncertain. अगर हम proper planning करते हैं तो planning से uncertainty reduce हो जाती है. हम ये देख के चलते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हो सकता है आने वाले चेंज में कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट में तो वी विल डू लाइक दैट. हम उसके लिए भी प्लान करके रखेंगे. तो प्लानिंग इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, दूरदर्शी, आगे तक के लिए सोचना, फ्यूचर इवेंट्स. इसलिए हम कहते हैं ये अनसर्टेनिटीज़ जो बिजनेस में आने वाले रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करता है. कैसे रिस्क? टेक्नोलॉजी में चेंज, टेस्ट और फैशन में चेंज, कोई और बिजनेस पॉलिटिकल कंडीशन आ जाए उसमें. ठीक है, जब सच प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्लान किया जाता है ताकि इन सब अनसर्टेनिटीज के साथ हम लोग कॉप अप कर सकें. ओके, देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. देखो बेटा, मैंने अभी आपको सेकेंड चैप्टर में सिखाया था प्रिंसिपल्स की बात जब हम कर रहे थे, कि अगर हम किसी टूल को भी बार बार यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर जगह नहीं है, और टूल्स आ गए, कोई भी यूज़ कर रहा है, कहीं भी रख रहा है, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर. सबके पास अपना टूल होने चाहिए, अपनी स्किल के साथ, सब अपने दिमाग के साथ उन्हें यूज़ करें ताकि ओवरलैपिंग ना हो, काम दोबारा दोहराया ना जाए, वेस्ट ना हो एक्टिविटीज़. प्लानिंग उसे रिड्यूस करता है. इफ़ेक्टिव प्लानिंग लेज डाउन द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन जो कि ज़रूरी होते हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, जिसमें चांसेस होते हैं ओवरलैपिंग के या एक्टिविटीज़ के वेस्ट होने में. उन सब चीज़ों के लिए पहले से प्लान कर लिया जाता है. जैसे आपके स्कूल में प्लान कर लिया जाता है कि वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ फेट, उसमें फूड कोर्ट का डिपार्टमेंट किसी और को दिया जाएगा, उसमें बच्चों के लिए डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करने के लिए किसी और को दिया जाएगा. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है अलग अलग, ताकि ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हों.
Then comes planning promotes innovation and creativity. Planning thinking function होता है management का, हम सबसे ज़्यादा mental exercise होती है, हमने इसमें पढ़ा भी था, है ना? तो planning basically thinking process है, management का function है, ये creative होना चाहिए, innovative होना चाहिए. एक manager के पास बहुत सारे ideas होने चाहिए उसके mind में जब वो plan करता है. तो दैट मीन्स प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, एक मैनेजर के पास बहुत सारे आइडियाज़ इनोवेटिव वे में, ठीक है, क्रिएटिव वे में होने चाहिए. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. प्रिपरेशन अगर हम करते हैं, हम पहले से अगर प्लान करते हैं कि हमें ये पेन मैन्युफैक्चर करना है तो हम इसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, दस डिसीजन मेकिंग इज इनहेरेंट इन प्लानिंग. उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. इफेक्टिव प्लानिंग ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा सुपरविजन होना चाहिए, किस तरह का इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन हायरार्की होनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखकर डिसीजन लिया जाता है. इसे समझो कैसे लिया जाता है डिसीजन. अगर हम कुछ प्लान करने बैठेंगे तो हम देखेंगे मार्केट में हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने इस पेन को बनाने के कितने तरीके हैं, उन सब तरीकों में से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मुझे चूज़ करना है. डेटा कलेक्ट करना है मुझे, कितने सर्वे करना है मुझे, आई नीड टू सर्वे कि हाउ मेनी पीपल आर यू नो सेटिस्फाइड विद दिस पेन. सो इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ईजी कर देता है. जब हम बहुत सारी चीज़ों को लेके काम करते हैं तो उसे ईजी कर देता है. प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. अब देखो कंट्रोलिंग बिल्कुल लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टैंडर्ड कैसे एस्टेब्लिश करता है प्लानिंग, जब हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपकी मदर ने प्लान किया है मुझे शाही पनीर बनाना है, पर बन गया कढ़ाई पनीर, उसमें बहुत स्पाइसी हो गया, लेट सपोज वो, ठीक है, तो मींस उन्होंने स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किया था कि शाही पनीर बनना है, जिसके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्ट किया. पर जब कंट्रोलिंग करने पर आए तो उन्हें पता चल गया कि जिस तरह से मैंने चाहा था वो काम उस तरीके से नहीं हुआ. एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है. तो प्लानिंग स्टैंडर्ड सेटअप कर लेता है, कंट्रोलिंग के टाइम पर हमें प्रॉब्लम नहीं होती. मैनेजरल कंट्रोल इन्वॉल्व कीपिंग एक्टिविटीज़ ऑन द राइट पाथ बाय रेस्ट्रिक्टिंग डेविएशंस. अभी एक क्वेरी थी डेविएशन को लेकर, डेविएशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्रॉम द प्लान्स और स्टैंडर्ड. प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, शाही पनीर बनाना था कढ़ाई पनीर बन गया, दैट मीन्स कहाँ प्रॉब्लम है, उस डेविएशन को ठीक करना. इट इज़ थ्रू प्लानिंग दैट मैनेजमेंट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. सेट कर लेते हैं हम, ठीक है. इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर द प्लान, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं. सो हाउ प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बेटा अंडरलाइन दिस, आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. हम जो प्लान करते हैं एक बेंचमार्क्स यू नो सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं. कंट्रोलिंग के टाइम पे अगर वो हमारे हमें रिजल्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो वो डेविएशन हमें डेविएशन पर हमें काम करना होता है. सो वी कैन से दैट प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल. जो हम प्लान करते हैं कंट्रोलिंग के टाइम पे हमें पता चल जाता है वो सक्सेसफुली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई. हुई तो अच्छा, नहीं तो फिर हम उस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. सो दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. नाउ कम्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. अब कुछ चीज़ की एडवांटेजेस होंगी तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी. व्हाट आर दोस? प्लानिंग लेड टू रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी, राइट. प्लानिंग लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी. इट इन्वॉल्व लेइंग डाउन प्लान्स ऑफ एक्शन इन एडवांस. हम सब कुछ पहले से ही सोच लेते हैं, ठीक है. इट माई लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी बाई कंपेलिंग द मैनेजर टू कन्फर्म द प्लान, राइट. अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो वो कॉस्टली पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैनेजर सिचुएशन बाउंड होता है, मैनेजमेंट सिचुएशन बाउंड होता है. यहाँ तक कि इंडिविजुअल के लिए बात करें तो इंडिविजुअल का नीड और बिहेवियर भी सबका अलग होता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है. सो मैनेजमेंट मैनेजर जब प्लान करता है तो वो इस फियर के साथ प्लान करता है कि अगर कोई अनड्यू रिजल्ट हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा. जिस तरह से हम प्लान करके चलते हैं, हम प्लान करके चल रहे थे कि अब आपका कोर्स शायद इससे नेक्स्ट चैप्टर भी मैं अब तक ख़त्म कर देती, बट ऐसा मैंने प्लान किया था, बट ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड 19.
सो दैट मीन्स आई लैक्ड समवेयर, कहीं ना कहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनड्यू रिजल्ट. वी आर कॉपिंग अप, दो वी आर कॉपिंग अप, क्योंकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट सिचुएशन कब चेंज हो जाए यू नेवर नो. सो इट लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी. प्लान हमेशा ऐसा ही चले जैसा हमने बनाया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. प्लानिंग में नॉट वर्क फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट, चेंजेबल एनवायरनमेंट में कभी काम नहीं करती है प्लानिंग, राइट. मैनेजर्स कांट फुल्ली डिपेंड अपॉन प्लान्स मेट फॉर स्टेबल एनवायरनमेंट. मैनेजर्स कभी भी डिपेंड नहीं होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोच के चलते हैं कि एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा. उन्हें बहुत सारे मेजर्स लेने होते हैं, स्ट्रैटेजीज रखनी होती हैं इफ़ दे वांट द डिजायर्ड रिजल्ट इन केस ऑफ टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, चेंजेबल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, कंपनी माइट हैव टू चेंज इट्स एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन व्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बाय द मेजर कॉम्पिटिटर्स. अभी तो बहुत नॉर्मल सा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है कंपनी ने, लेकिन जब दिखा कि चार कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं तो उन्हें कुछ एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करना होगा अगर उन्हें कॉप अप करना है उस सिचुएशन के साथ. सो इट इज़ चेंजेबल. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव. सी, प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमने एक बार कुछ प्लान कर लिया उसके अकॉर्डिंग ही सब काम करते हैं. अभी आपके लिए प्लान किया हुआ है ना, सब लोग ऑनलाइन चलना है, तो इसमें क्या होता है, कई बार अगर कोई इनिशिएटिव आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप सजेशन देना चाहते हो, कहीं पर वी आर लैकिंग, सो वो चीज़ नहीं हो पाती है. मैनेजर फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव एंड डूइंग क्रिएटिव थिंग्स टू डील विद द चेंजेस इन एनवायरमेंट, मैनेजर्स को इनिशिएटिव लेने से रोकता है या कुछ क्रिएटिव चीज़ करने से रोकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंट. बिकॉज वंस वी हैव प्लान्ड फॉर समथिंग, वो मैनेजर या टॉप लेवल ये सोच के चलता है वो उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए. फिर बीच में कोई भी आप ये ना लेकर आए कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हमें वैसा कर लेना चाहिए. सो दैट मीन्स इट समटाइम्स इट रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव. दो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल को वेलकम करना चाहिए सजेशन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, ठीक है. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज है. अभी मैं आपको बोल देती हूँ कि आप पूरा प्लान करो कि आपको इस चैप्टर से केस स्टडीज बनानी है, तो सब सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे, है ना. सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ प्लान करते हो तो वो लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत सारा टाइम लेता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है. सो इट मे नॉट बी फिजिबल टू अंडरगो दिस प्रोसेस वेन द सिचुएशन डिमांड क्विक डिसीजन. अगर क्विक डिसीजन लेने को कहा जाए तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आप यही नहीं सोचोगे चलो यार बैठ जाते हैं चार लोग मिलकर, हम वी आर फोर फ्रेंड्स और इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. आपको सब कुछ देखना होगा, आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, आपको देखना होगा इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं, आपको बहुत सारे इसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट चूज़ करना होगा, ठीक है. क्विकली आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, ये हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. होता ही है ना प्लान करने में किसी भी चीज़ को. सपोज़ आपके लिए हम कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें भी 15 डेज टीचर्स को भी लग जाते हैं प्लान करने में, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी. एक दिन में कभी ट्रिप प्लान नहीं हो सकता. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिव स्पेंट ऑन प्लानिंग. Cost of formulation of plan is directly proportionate to the time of executives spend on planning. जो executives plan करते हैं उनको देने में जो cost लगती है, cost of formulation of plan directly उससे proportionate करता है. अगर उन्हें sufficient time नहीं दिया गया तो वो गलत साबित हो सकती है, expenses बढ़ सकते हैं, ठीक है. professional expert को बुलाना पड़ सकता है, data कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा में नॉट जस्ट सेटिस्फाई जस्टिफाई द प्रोपोर्शनली लेस बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान. सी, होता क्या है, अगर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, अगर हम किसी भी चीज़ की, अगर आप इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आप अकेले नहीं कर सकते ना बेटा, यू अलोन कैन नॉट डू एनी एवरीथिंग. आप एक्सपर्ट्स को बुलाओगे, अगर आप टाइम अच्छा खासा टाइम नहीं दोगे उन्हें सोचने के लिए तो हो सकता है कि प्लानिंग रॉन्ग प्रूफ हो जाए. आप उन्हें ऐसा पे नहीं करोगे तो वो आपके लिए कोई टाइम पास सा प्लान करके दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लो, हो सकता है उनके पास और अच्छा आइडिया हो, ठीक है. सो दैट मीन्स विथ टाइम कंज्यूम प्रोसेस इट इज़ इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट ऑल्सो. इट नेवर
यू नो डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट नेवर गारंटी सक्सेस. ज़रूरी नहीं आपने जैसा प्लान किया हो वो उस अकॉर्डिंग ही हो, डिपेंड करता है एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द प्लानर. जो प्लान कर रहा है उसके एटीट्यूड और बिहेवियर पे सब कुछ डिपेंड करता है. कई बार प्लानिंग में क्या होता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है अमंग द प्लानर्स. दे मे अज्यूम दैट एज लॉन्ग एज वर्क गोज ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लान इट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो ही सोचते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चलेगा वो अच्छा रहेगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि सिचुएशन चेंज होती रहती है. दे मे बिकम मोर कंसर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान रादर देन सिक्योरिंग बेटर परफॉर्मेंस. वो सोचते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते जाओ तो सब कुछ ठीक होगा, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें डील अप करना है और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ. ठीक है, तो प्लानिंग कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग आपको सक्सेस प्रोवाइड सक्सेस दिलाए. आपकी आपने जो प्लान किया है आप उसके साथ चलकर सक्सेस ही हासिल करो. राइट, एक्सटर्नल लिमिटेशन. प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस और प्रेमिसेस रिलेटिंग टू फ्यूचर. देखो हमें वी नेवर नो आगे क्या होने वाला है. अब COVID-19 की वजह से तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो प्लानिंग्स अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, कॉम्पिटिटर्स आया तो ऐसा कर लेंगे, मार्केट में कम प्राइस पर कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ तो हम ऐसा कर देंगे. ये सब अजम्पशन होती हैं. सो प्लानिंग प्रेमिसेस आर बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल. वो क्या एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंट. ठीक है, देखो इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इसके, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे एक्साइज में हाई कर दें प्राइस या कस्टम ड्यूटी पे रेट बढ़ा दें, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, फ्लड, अर्थक्वेक, या इसमें COVID-19 भी हम डाल सकते हैं. ठीक है, वो नेचुरल कैलामिटी नहीं है, एक पेंडेमिक है, हम वो भी एड ऑन कर सकते हैं इसमें. कस्टमर के फैशन और टेस्ट में चेंज हो जाए, फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करने लगें, जिम ज़्यादा प्रेफर, हेल्थ फ्रीक हो जाएं कस्टमर, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए किसी नए प्रोडक्ट का, या कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कर दे. ठीक है, सो बट डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन के साथ ये हमेशा प्लानिंग यूजफुल एक्सरसाइज रहती है. क्योंकि अगर आप बेटा प्लान नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेकर और आप ऐसे ही उसको मतलब इम्प्लीमेंट करोगे और उस प्रोसेस में आ जाओगे, तो आपको फिर बाद में पता चलेगा अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमें डील करना होता है. एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं जिनसे हमें डील करना होता है. इंटरनल क्या, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, राइट, और सप्लायर्स. और एक्सटर्नल कौन होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. राइट, सो व्हाट कुड बी द मेजर्स टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, दे आर, मैनेजर शुड अडॉप्ट अ फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड. प्लानिंग जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग से हम कैसे डीलअप कर सकते हैं, मैनेजर हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड रखे. उसको पता होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं. मैनेजर शुड गिव सफिशियंट टाइम एंड अटेंशन टू प्लानिंग. देखो प्लान करते हुए अगर वो टाइम दे दे सफिशियंट तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि वो इम्प्लीमेंट करने लगे और उसको तब पता चले कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आ रही हैं, वी आर फेसिंग. अच्छा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें इनिशिएटिव लिया जाता है कि बाकी लोग भी आएँ और अपना व्यूज़ दे सकते हैं. शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द प्लानर बिफोर दे मेक एनी प्लान. किसके माइंड में क्या आइडिया चल रहा है, कोई न्यू इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया है तो वो प्लानर तक पहुँचना चाहिए प्लान बनने से पहले. राइट, अ सिस्टम ऑफ फोरकास्टिंग कपल्ड विद अ कीन इनसाइट इनटू द डायनेमिक ऑफ रिलेवेंट एनवायरनमेंट. एक ऐसा हमारे पास एक्सपर्ट ज़रूर होना चाहिए जो आगे फोरकास्टिंग कर सके, जो चेंजेबल एनवायरनमेंट को देख सके प्लानिंग करते समय कि क्या क्या आगे चेंजेस हो सकते हैं और उन चेंजेस के साथ हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं. सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुड बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्लानिंग सो दैट एवरी प्लान इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. जो हम प्लान करेंगे कंट्रोल के टाइम पर अल्टीमेटली वी गेट टू नो कि व्हाट वी हैव प्लान्ड, आर वी सक्सेसफुली डन इट. सो द सिस्टम ऑफ कंट्रोल शुड बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्लानिंग, ये हमें पता है, इसीलिए एवरी प्लान इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. हम इन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके, देन जो हमने प्लान किया है कंट्रोलिंग पे वी गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट. ओके,
So this is what we have discussed today, the importance of planning and the limitations of planning and how to overcome with the limitations of planning. In tomorrow's lecture, we will start the most important topic of this chapter and that is steps in planning process. किस तरह से planning करते हैं वो हम पढ़ेंगे. Right? So by then, you all are supposed to prepare your notes up to here. Thank you and have a good learning.